अस्सलाम वालेकुम तहर भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक, कैसे हैं आप? आप बैठ प्लीज। ये टीवी लाउंज बहुत खूबसूरत एरिया, गैलरी, सीढ़ियाँ, बाहर का मंजर, ये ऊपर गैलरी, रूम्स नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे ज़रूरी हैं, नहीं होंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा, लोग नहीं आएंगे। बाथरूम, किचन, सिक्योरिटी कैमरास जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। जब कमरा खाली हो जाता है यानी गेस्ट चला जाता है तो उसके बाद ये बेडिंग की जाती है, मतलब सेटिंग दोबारा की जाती है, चादरें तकिए वगैरह चेंज किए जाते हैं। अपस्टेयर्स छत पे जाने के लिए सामने मार्गला हिल्स, इन दरख्तों के पीछे सेंटोरस। 7 मिनट की वॉक पे। कितने मिनट? 7 मिनट की वॉक पे। खूबसूरत लोकेशन है। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम, कैसे हैं शायद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिर भाई आप सुनाएं, तबीयत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि आप बेसिकली कहाँ से? मैं अबटाबाद से हूँ। और डेरे इस्लामाबाद में डाले हुए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे से? मेरी पैदाइश इधर की है, इस्लामाबाद की। जी जी जी। और गेस्ट हाउस बिजनेस में कितने अरसे से? तकरीबन पिछले 14 साल से हमारे पास ये बिल्डिंग है। अच्छा, इसी बिल्डिंग में? इसी बिल्डिंग में, और तकरीबन 20-21 साल हो गए हमें ये बिजनेस करते हुए इस फील्ड में। 20-21 साल हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा एक्सपीरियंस है आपका। ये बताइए, मैं आपसे आज जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ बेसिकली, जी जी, वो है हाउ टू स्टार्ट अ गेस्ट हाउस बिजनेस। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है लोकेशन। जी जी। तो कितना मैटर करती है गेस्ट हाउस की लोकेशन इसके चलने और ना चलने में? सर बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन ही जो है ना, सबसे बेहतरीन जगह आपके गेस्ट हाउस के लिए, बेहतरीन गेस्ट आते हैं उसके लिहाज से, और बहुत मैटर करती है ये लोकेशन। तो आप 14 साल से इसी लोकेशन पे हैं, इसकी कोई ख़ास वजह? आपने लोकेशन कभी चेंज क्यों नहीं की? नहीं, हमारे पास इसके अलावा 2 लोकेशन और भी थी, तो कुछ वो पीछे कोरोना वगैरह की वजह से बंद हुई, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बिज़नेस अच्छा चल रहा है, हमारा एक नाम चल गया, फिर काम अच्छा है, और लैंडलॉर्ड से हमारे मामला ठीक जा रहे हैं, तो इसलिए चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों की रोज़ी रोटी लगी है तो तब्दील करने का सोचा नहीं है। ये बताएं कितने रूम्स हैं इस बिल्डिंग में जहाँ पे इस वक्त हमें? 10 रूम है। 10 रूम? जी जी। ये जो कैपरी एग्जेक्टिव नाम रखा, जी जी, वो आपने रखा या लैंडलॉर्ड ने रखा? नहीं, वो मेरे साथ मेरे भाई हैं, उन्होंने रखा। तो आप खुदा ना खास्ता यहाँ से कभी मूव होते हैं तो ये नाम आपके साथ मूव हो जाएगा? जी, ये मेरे साथ मूव हो जाएगा। लेकिन कोई भी जगह छोड़ना बहुत ही मुश्किल काम होता है, ख़ास तौर पे ऐसी जगह जहाँ बंदा उम्र कैद गुजार तो अल्लाह आपको यहाँ पे रखे जी, दायम व आबाद रखे। बिल्डिंग जब लेते हैं गेस्ट हाउस के लिए, तो उस वक़्त मामलात जो लैंडलॉर्ड के साथ तय करते हैं वो क्या क्या होते हैं, मतलब उसमें? वो आम जिस तरह किराए पे आपने जब बिल्डिंग लेनी है तो उसका किराया तय कर लेते हैं, उसमें कोई सिक्योरिटी होती है वो, बाकी टाइम टू टाइम उनका रेंट टाइम पे देना होता है, यही कुछ है। बड़ा आसान और बड़ा अच्छा बिजनेस है ये। एग्रीमेंट के अंदर कुछ मखसूस शरायत लिखी होती हैं या लिखवानी होती हैं? एक तो आपका एग्रीमेंट गेस्ट हाउस के नाम होना चाहिए। गेस्ट हाउस आपके पर्सनल के नाम नहीं? पर्सनल के नाम भी होता है लेकिन गेस्ट हाउस के लिए हो तो बेहतर है। ओके। और दूसरा कोई ख़ास शरायत तो नहीं होती, बाकी बिल्डिंग का मालिक तो वो होता है, जब वो कहे तो खाली करनी होती है आपको, तो जब तक चलता है तो चलाना चाहिए। अमूमन गेस्ट हाउस कितने साल के लिए रेंट आउट करना चाहिए? ये तो वैसे कोई भी बिल्डिंग है उसका जब एग्रीमेंट करते हैं तो वो 1 साल से 2 साल के लिए होता है, तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है तो आगे चलता रहता है। और किराए बढ़ते कितने अरसे के बाद है? हर साल के बाद बढ़ जाता है किराया। ऑटोमेटिकली या नया एग्रीमेंट करना पड़ता है? नहीं, ऑटोमेटिकली। तो एडवांसेस वगैरह भी होते हैं इसका? एडवांस होता है। तो वो कोई लमसम अमाउंट होती है या 1 महीने 2 महीने 3 महीने के किराए होते हैं? नहीं, वो आपकी जो लैंडलॉर्ड से तय होती है बात उसके मुताबिक उसके मुताबिक हो। जी जी। अच्छा ये बताइए, आप इस फील्ड के अंदर बहुत अरसे से हैं,
जब किसी भी बंदे का गेस्ट हाउस चल जाता है तो लैंडलॉर्ड अमूमन तंग करते हैं? कमोबेश ऐसा सुनने में आया है। वैसे अच्छे लोग हैं लैंडलॉर्ड भी, हम में से ही हैं, इधर ही लोग रहने वाले हैं तो अच्छे लोग हैं सारे। देखा यह गया है कि जब किसी का बिजनेस चल जाता है तो लैंडलॉर्ड ये कहते हैं कि भाई किराया बढ़ा दो, महीने बाद, दो महीने बाद, तीन महीने बाद। कम लोग ऐसे करते हैं। हर बंदा नहीं करता। चलेंगे तो एक बड़ी अच्छी, हमारे साथ बहुत अच्छा मामला चले। ये बताइए कि गेस्ट हाउस चलाने के लिए जगह किराए पे लेना, एडवांस वगैरह देके वो तो हो गया, मतलब इसको रेनोवेट करने पे अप्रॉक्सीमेटली 10 रूम्स पे कितना खर्चा आ जाता है? ये खर्चा कोई कंफर्म तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो कहते हैं जितना मीठा, जितना गुड़ डाला इतना मीठा होगा। आपने बड़ा वेल मेंटेन और साफ़ सुथरा रखा हुआ है इस गेस्ट हाउस को। अब बात करें अगर एक रूम की, तो एक रूम पे जो बेड हैं, सोफ़ाज़ हैं, कारपेट हैं, पर्दे हैं या बाथ टब्स वगैरह हैं और इसकी खूबसूरती के लिए, एक कमरे पे कितना खर्चा आ जाता है? तकरीबन 3 से 4 लाख एक कमरे में। यानी अगर 10 कमरे का गेस्ट हाउस चलाना है तो 30 से 40 लाख के दरमियान पैसा लगता है, लग जाता है खाली आपके ये सेटिंग करने में। सेटिंग करने में ऐसे ही है। तो आपके मैंने देखा है कि जो कम्बिनेशन है वो बड़ा प्यारा है, खाब सोफ़े हैं, बेड हैं या बाकी चीज़ें हैं, तो ये आप अपने तजर्बे की बेस पे या किसी से इंटीरियर डेकोरेट करवाए? नहीं, कुछ तजर्बे की, कुछ दोस्त अहबाब है उनके मशावरत से चलते हैं। किया खुद ही है? किया खुद है। अमूमन जो ये चीज़ें हैं ये न्यू परचेज़ की जाती हैं या सेकंड हैंड परचेज? नहीं, न्यू परचेज़ की जाती है। अगर सेकंड हैंड अच्छी कंडीशन में मिले तो? अगर अच्छी कंडीशन में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छी चीज़ जो है वो देर पा और ज़्यादा चलती है। 10 रूम्स के गेस्ट हाउस को चलाने के लिए स्टाफ कितना हायर किया हुआ है? 5-6 लोग तो होने चाहिए। आपके पास कितने? हमारे पास 7 लोग हैं। 7 लोग जी जी। और वो किस किस काम के लिए हैं? एक किचन में लड़का, वेटर। अगर शुरू से करें तो गेट से शुरू करें? एक गेट पे है लड़का। सिक्योरिटी के प्राइस देता है या वो एंट्री वगैरह? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी गार्ड? बिल्कुल। उसके बाद? उसके बाद रिसेप्शन पे हो गया, एक रिसेप्शन पे जी। ये दो हो गए, दो वेटर हो गए, दो वेटर जो खाना चाय पानी सर्व करते हैं जी जी। ये कमरों की सफाई और बेडिंग भी वही करते हैं या वो अलग? वो अलग से हाउसकीपिंग वाले होते हैं। हाउसकीपिंग और सम टाइम मिलजुल के भी कर लेते हैं। ओके, एक गेट पे, एक चाहिए बंदा रिसेप्शन पे, दो चाहिए वेटर, चार हो गए, और दो आगे किचन में, दो बंदे किचन में, हाँ 6 बंदे, और एक हाउसकीपिंग के लिए, हाउसकीपिंग जो सफाई करता है जी जी। तो 7 बंदों का स्टाफ, 7 बंदे कम अज कम, 5-6-7 कम अज कम इतना स्टाफ चाहिए। अच्छा, ये आप, ये आपके अलावा है? ये मेरे अलावा है, मैं खुद भी इधर ही होता हूँ। और आप बेसिकली क्या करते हैं यहाँ रह के? मैं देख सुन रहा होता हूँ, बाकी तो करना तो गेस्ट हाउस आसान काम है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन देखा सुनी करते हैं और क्या करते हैं। अच्छा, अब सबसे अहम और ज़रूरी बात जो कि इस बिज़नेस के लिए चाहिए, अब 30 से 35 लाख रुपया रेनोवेशन पे लगा लिया, एडवांसेस किराए वगैरह और ये सारी चीज़ें मिला के 40 क्रॉस कर जाता है, कर जाता है। कस्टमर कैसे आता है, मतलब हाउ टू गेट कस्टमर्स? कस्टमर का बेहतरीन जो आने का ज़रिया है वो तो कस्टमर आपको कस्टमर देता है। कस्टमर आपको कस्टमर देता है? मैं इस बात को समझा नहीं, मतलब एक्सप्लेन करूं। अब जैसे कोई एक गेस्ट मेरे पास आके रहेगा, वो मेरी सर्विस, इन सर्विसेज से मुतमईन होगा, जैसे मैं रहा, आप रहे, आप जाएंगे तो कल किसी अपने दोस्त अहबाब अजीज रिश्तेदार को कहेंगे, चैन टू चैन ये चलता है। सबसे बेहतरीन गजट, हाँ सबसे बेहतरीन जरिया तो ये, ये जरिया बहुत मुश्किल जरिया नहीं, क्योंकि इसमें तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन हाई होना चाहिए तभी आपको कस्टमर दोबारा मिलेगा। नहीं देखें, इसमें ऐसे है कि आपकी इखलाक, बाकी सर्विसेज वगैरह हों तो मुश्किल नहीं है, आपका इखलाक और सर्विसेज बेहतर हो, इसी से और कस्टमर सेटिस्फाई तो होता है। बिल्कुल ऐसे है। आपने 3 चीज़ें कही, एक तो इखलाक, दूसरा साफ़ सुथराई, बिल्कुल, और सर्विसेज, तीसरा सर्विस अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल। ये 3 चीज़ें अच्छी हैं तो आपका कस्टमर आपसे मुतमईन हो गया, मुतमईन हो जाएगा, और ये जाके दूसरे कस्टमर को बताएगा, बताएगा। तो चौथी चीज़ इसमें अहम नहीं है, रेंट्स? कम लोग देखते हैं इस चीज़ को, कम लोग देखते हैं, हाँ। अगर यानी ये जो अभी मुल्की हालात चल रहे हैं उसमें तो खैर महंगाई का दौर है, हर बंदे का तो है, लेकिन अब जिसने आके रहना है वो होटल से के बजाय गेस्ट हाउस में, एक मॉल अच्छा होता है, साफ़ सुथरा मॉल होता है,
कम कमरे होते हैं, शोर शराबा नहीं होता, फैमिलीज़ के साथ आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहते हैं। अमूमन क्लाइंट्स जो है शिकायत किस चीज़ की करते हैं अगर कभी करें तो? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मामला तो नहीं आता, लेकिन सम टाइम जैसे बिजली अगर ना हो या कुछ गेस्ट हाउसेज में जनरेटर वगैरह का इशू बनता है, उसकी कोई शिकायत आ जाए तो वैसे नहीं करते शिकायत। आपने जनरेटर रखा हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह हमने 42 केवी का जनरेटर रखा है जो 12 से 14 एसी एक टाइम पे चला सकता है। ये बताइए, इस्लामाबाद तो अमूमन ठंडा मौसम रहता है? जी जी। एसी कम ही चलते होंगे? सर जून जुलाई में गर्मी पड़ती है। हाँ। आजकल तो मौसम बेहतर है, लेकिन फिर जब बंदा दूसरे शहर गया होता है तो ज़रा मौसम इंजॉय तो करता ही है। ये बताइए कि एसी जब सारे चलते हैं और बिजली नहीं होती, जनरेटर चलते हैं, तो उसमें डीजल चलता है या खून जलता है? डीजल तो जलता ही जलता है, तो आप बेहतर समझ सकते हैं दूसरी बात। तो ऐसी सूरत में कभी ऐसा हुआ कि यार मौसम ठीक है, घंटा दो घंटे के लिए जनरेटर बंद कर दें? नहीं, ये कंप्रोमाइज़ नहीं करते, ये कंप्रोमाइज नहीं, ये अगर करेंगे तो फिर ये आपके वो सर्विसेज में तो ना है ना। नहीं है। कंपैरेटिवली देखा जाए आपके और आपके इर्द गिर्द और गेस्ट हाउसेज में, किराए की बात करें तो आप महंगे हैं, सस्ते हैं, कैसे हैं? मुनासिब है, ना महंगे ना सस्ते। हाँ। रूम्स मुख्तलिफ तरह के होते हैं, सिंगल रूम्स, फैमिली रूम्स, एक्स्ट्रा मैट्रेसेस वगैरह भी लोग लेते हैं मतलब, तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं? सम टाइम होते हैं, लेकिन ये हमारी पहले गेस्ट से बात तय हो जाती है। जब गेस्ट रिसेप्शन पे आता है चेक इन के लिए, तो उससे तमाम तर बातें तय हो जाती हैं। खाने में लोग मुख्तलिफ चीज़ें डिमांड करते हैं, किसी का चिकन खाने को दिल है, तो किसी का मटन को, और किसी का बीफ को, और किसी का बिरयानी को, तो इन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? किचन में हो जाती हैं मैनेजर, मतलब सारी चीज़ें कुक जो है वो करता है, तैयार कर लेता है। अक्सर ऐसा होता है कि कस्टमर लेट आते हैं या रात को दिल कर गया कि जनाब मैंने खाना खाना है 12 बजे 1 बजे, तो इस सूरत में क्या होता है? इस सूरत में सम टाइम तो ऑनलाइन ऑर्डर किया जाता है, और नहीं तो हमारा जो लड़के हैं वो इधर मौजूद होते हैं 24 घंटे, तो इसमें मसला नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं होता। नहीं है। चेक इन टाइम क्या होता है, मतलब कस्टमर कब तक आ सकता है और कब जा सकता है? ये जो रेंट्स होते हैं ये कितने आवर्स के होते हैं? वैसे तो 12 AM चेकआउट टाइम होता है, और आने का कोई टाइम नहीं है, यानी दोपहर को 12 बजे 12 बजे आपने चेकआउट करना है, चेकआउट करना है। हाँ, सम टाइम कुछ लोग हमें कहते हैं कि यार हमने 1-2 बजे चेकआउट होना है, तो उन्हें अलाउ कर देते हैं, कोई इशू नहीं होता। और आने का कोई टाइम नहीं, आप आने का कोई टाइम नहीं है, जब 12 बजे के बाद जब मर्जी आप, जब मर्जी आ, बेसिकली 24 आवर्स का रेंट होता है। हाँ, और सम टाइम 12 से पहले भी आते हैं, पिछली रात को कमरा खाली होता है तो हम दे देते हैं। अच्छा, उसमें प्रॉब्लम नहीं होता? नहीं प्रॉब्लम। हाँ, कोई अर्ली मॉर्निंग बहुत ज़्यादा आ जाए 3-4 बजे। गेस्ट हाउसेज के बारे में एक चीज़ जो है वो बड़ी सुनी जाती है कि यहाँ पर जो है वो कपल्स आते हैं, मतलब पेयर्स आते हैं, जोड़े जो कहते हैं, ऐसे ही है, तो उसमें फिर कोई आपके वेरिफिकेशन का सिस्टम है, अलाउ करते हैं नहीं करते हैं, ये कैसे? यानी चीज़ इस चीज़ की हमारा दीन भी इजाज़त नहीं देता, और हम डेली बेसिस पे हमारी रिपोर्टिंग होती है मुतलका इंतज़ामिया को, तमाम तर गेस्ट हाउसेस। ओके। तो वो उसमें तो हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, पेपर जो होते हैं, आईडी कार्ड, अगर किसी के साथ बच्चे हैं तो वो तो समझ आती है, अगर 2 मियां बीवी हैं तो उनका आईडी कार्ड मैच करना चाहिए, वरना हम रूम नहीं अलाउ करते, अलाउ नहीं करते, ये बाय बुक है मतलब। जी जी। तो और अगर कोई ऐसा करता है तो वो नहायत ही गलत है, एक तो अपने हमारा दीन भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, और मुतलका इंतज़ामिया को उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। ये बताइए कि आप अपने बिज़नेस की मार्केटिंग अभी तक सीना गज़ट कर रहे हैं, जी जी, तो ऑनलाइन मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग की तरफ अभी तक क्यों रुझान नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना और मार्केटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अल्लाह पाक का इतना करम है, बहुत शुक्र है कि हमारे से ये फुल ही रहता है, हाउसफुल रहता है, अल्लाह का बड़ा। तो बुकिंग करवाने का तरीका कार क्या होता है, मतलब मौके पे पहुंच के करवानी होती है या फ़ोन वगैरह करके उस पर भी करवाई जा सकती है? फ़ोन पे भी करवाई जा सकती है और ईमेल के थ्रू भी करवाई जा सकती है। तो ईमेल एड्रेस यहाँ बताना चाहेंगे? हाँ बता देंगे जी, ज़रूर बताएँ। capri.gh.ae
isb@gmail.com। बहुत लंबा, मैं मेंशन कर दूंगा स्क्रीन पे। दूसरा टेलीफोन नंबर यहाँ का क्या है, मतलब कैसे? यहाँ का PTCL नंबर भी है जी। तो हम भाई होते हैं, हम मेरा भी नंबर है, दूसरे भाई का भी। आप जो भी नंबर देना चाहें ज़रूर दीजिए। ठीक है, 0300 5215197 8080। ये व्हाट्सएप भी है इसी पे? व्हाट्सएप भी है। अच्छा, वेरी गुड। तो इस बिज़नेस को बढ़ाने का तरीका क्या है, अगर कोई बढ़ाना चाहे तो उसके लिए क्या, मतलब? उसका यही है, जब आपका चल पड़े तो आगे और कोई हाउस देख के आप ले लें, अगर ब्रांचेस बना लें। ब्रांचेस बना लें, इसी नाम से करना चाहिए या नाम चेंज कर देना चाहिए? हर आदमी की अपनी सोच है, अगर मैं तो करूँगा तो इसी नाम से करूँगा, तो दूसरा कोई किस्सा करता है। आज बारिश आई है, मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, मौसम इंजॉय करने के चक्कर में मैंने विंडोज़ खुलवा दी हैं और 3 अदद मक्खियाँ तायर भाई को तंग कर रही हैं, और मजबूरन फिर जो है मैंने पंखा चलवा दिया है, कि ये तो बड़ा ज़बर तासर बड़ा गलत जाता है कि भाई ये तो मक्खियाँ बिन बना रही हैं यहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं है, नीट एंड क्लीन है, ये मेरी थोड़ी गलती की वजह से जो है ना ये मक्खियाँ आ गई। अच्छा तायर भाई, ये बताएं कि गेस्ट हाउस को चलाने में सबसे मुश्किल काम क्या होता है? मतलब मुश्किल तो ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टाफ तंग करता है। स्टाफ को मैनेज करना तो हर जगह ही मुश्किल है, मतलब लेकिन कमरे भरे हुए हैं, 30-40 लोग ठहरे हुए हैं और पता चले कुक नहीं आया। तो इस सूरत में फिर क्या करते हैं? इसमें ऐसा होता है कि सम टाइम जो आपके वेटर्स वगैरह होते हैं, ये लोग भी कुकिंग वगैरह जानते हैं, वो कर लेते हैं, मैनेज हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी ऐसा हुआ कि कुक नहीं आया और खाना खुद को बनाना पड़ गया? ऐसा हुआ नहीं, 14 साल में 21 साल में कभी नहीं, नहीं हुआ। मेरी टीम मेरे साथ बहुत कोऑपरेटिव है। तो कितने अरसे से ये लोग आपके साथ चल रहे हैं? कुछ लोग तो शुरू से चल रहे हैं, मतलब 20 साल से 20 साल से भी चल रहे हैं, कोई किन्हीं को 14-12 साल हो गए। अच्छा, तो दो लड़के नए भी हैं। तो जितना लंबा स्टाफ पुराना साथ चलता है, इट मीन्स उतनी ज़्यादा इदारे की वर्थ बनती है जी। और आपके इखलाक और पे का जो है ना वो अच्छा। ये बताएं कि सैलरी अमूमन कितनी होती है? सैलरी तकरीबन 18 से 22 के दरमियान, 18 से 22 हज़ार के दरमियान तमाम जी। एक बंदे की? एक बंदे की। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1.5 लाख के लगभग सैलरी बन जाती है। हाँ, जो रिसेप्शन पे है उसकी थोड़ी ज़्यादा होगी, कुक की थोड़ी ज़्यादा होगी, और जो वेटर्स हैं उनकी 20 तक होगी, उन्हें प्लस गेस्ट भी जाते हैं तो उनका। कभी गेस्ट यहाँ पे कोई सामान भूल गए हो? बहुत दफ़ा हुआ ऐसा। तो फिर वो वापस हो जाते हैं? वापस हो जाता है। कभी ना मिला हो किसी बंदे का सामान? हमारी कोशिश होती है उन्हें उसी वक्त कॉल करें ताकि जाने से पहले वो ले जाएं, लेकिन सम टाइम ऐसा भी हुआ है कि हमने बाद में उनका सामान भेजा है। कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई बंदा सामान भूल गया और मिला ही नहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। नहीं, कोई ऐसा वाकया जो याद रह गया हो इस फील्ड के अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चलता रहा, कभी कोई ऐसा मामला नहीं आया, तो मुतमईन। कभी सफाई खुद की हो? नहीं हुआ। अमले को ट्रेन कैसे करते हैं, मतलब अगर कोई बंदा छोड़ जाता है तो नए तो बंदे जगह जो नया बंदा आता है पुराने लड़के उसको ट्रेन कर देते हैं? तो एक्सपीरियंस शर्त लाजमी नहीं होती कि जो बंदा छोड़ के गया उसकी जगह कोई एक्सपीरियंस बंदा रखे? वैसे एक्सपीरियंस लोग, लेकिन नए लोग भी आते रहते हैं, लेकिन वो ट्रेन हो जाते हैं। इस इर्द गिर्द के जो गेस्ट हाउसेज होते हैं उनमें जेलसी पाई जाती है या तामन से काम होता है? नहीं, तामन से काम होता है, मिलजुल के काम किया जाता है। आपने इस्लामाबाद से बाहर भी किसी जगह पे गेस्ट हाउस चलाया? नहीं, मैंने नहीं चलाया। सारी ज़िंदगी इस्लामाबाद का एक्सपीरियंस? इस्लामाबाद से बाहर जाने को दिल नहीं किया। दिल नहीं किया, कभी जाना पड़ जाए तो? नहीं, इस्लामाबाद इस्लामाबाद है। मैं इस्लामाबाद फैज़ाबाद से अगर इंटर हूँ, कहीं बाहर लाहौर या किसी और शहर गया हूँ, तो फैज़ाबाद से जब इंटर होता हूँ तो मुझे हवाएं अच्छी लगना शुरू हो जाती है, अपना शहर लगता है, अपनापन होता है अपने शहर में। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने टाइम निकाला, नहीं आए आप, मुझे बड़ी खुशी हुई। थैंक यू बहुत शुक्रिया। तायर भाई, ये बताएं कि इसके लिए ट्रांसफार्मर लगा हुआ है या मीटर? नहीं, मीटर लगा हुआ है। सिंगल फेज, थ्री फेज? नहीं, थ्री फेज। और अप्रॉक्सीमेट बिल कितना आ जाता है? बिल तकरीबन गर्मियों में 1.5 से 2 लाख के दरमियान आता है। ओके। और सर्दियों में थोड़ा कम हो जाता है। और सर्दियों में हीटर वगैरह भी होते हैं? हाँ, हीटर होते हैं, वो भी बिजली पे चलते हैं, लेकिन हीटर लोग थोड़ा कम यूज़ करते हैं। कम यूज़।
और ये जनरेटर का खर्चा इसके अलावा है जो डीजल है। ये लाटू को हर जगह खेलने को कुछ ना कुछ मिल जाता है।